हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आप आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स का एक मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बीएड के 203 का एक गेस्ट क्वेश्चन पेपर बना दो। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ, अभी साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। सब जानते हैं जो 203 है वो रिलेटेड है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके ज़्यादा मैं ना बोलूँगा, इसमें शुरू करता हूँ कि 203 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए, यूनिट वन में से हम जो क्वेश्चंस चूज़ करेंगे वो होगा सबसे पहले व्हाट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द नीड एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए और मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ एनफ फॉर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 203। सो अब नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट सेकंड पे। इसमें हमें जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर मेरा इन द सेंस मतलब है कि आपको सिर्फ रीड करना है, रीड आउट करना है दो तीन बार, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कोई टफ पेपर लाइन नहीं है। इसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है, एक्सटेंसिंग एंड इंटरेंसिंग स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरे नंबर पर व्हाट इज़ टास्क एनालिसिस, कॉन्टेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, ये आप दो टॉपिक्स अगर प्रिपेयर करते हो इस यूनिट से तो ये एनफ होगा आपके लिए। यूनिट थ्री की बात करें तो इसमें व्हाट इज़ ICT, इसका स्कोप क्या है और इसकी नीड क्या है। नंबर सेकंड टॉपिक जो है यूनिट थर्ड का, वो है रोल ऑफ टीचर इन ICT एंड द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग ICT इन स्कूल एजुकेशन। तो ये दो टॉपिक अगर आप थर्ड यूनिट से करते हो तो दैट इज़ एनफ बीएड के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो हमने यूनिट फोर से टॉपिक्स लिए हैं लास्ट यूनिट से, आपको दोस्तों यहाँ हमने दो ही टॉपिक्स लिए हैं, आपको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड मैनेजमेंट, कॉल एंड कैम का डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ एनफ। तो बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने आपको जो चार यूनिट्स के टॉपिक्स बताए, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो तो शॉर्ट डेफिनेटली इनमें से निकल जाएंगे। बाकी फिर भी आप शॉर्ट आंसर्स के लिए व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये पढ़ सकते हो, बैरियर्स दैट प्रिवेंटिंग टीचर्स फ्रॉम यूजिंग ICT ये भी एक टॉपिक इसी में आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग विद ट्रेनिंग एंड लर्निंग आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इतना पेपर भी या इतना टॉपिक्स भी पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली 70-80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एग्ज़ाम देने के बाद वीडियो में कमेंट करके बता देना कि कितना पेपर इसमें से आया था, तो कैसा लगा। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मैसेज करके इस क्वेश्चन पेपर को सीधा मंगवा सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं लगी, बस आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा। एज आई एम ऑल्सो बी एड स्टूडेंट, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर टू यू। थैंक यू।